सुबह के बज रहे हैं 4:30 कुछ। इसको फर्स्ट एड करना पड़ेगा। ठीक तो हो जाना चाहिए। और ये वाला डॉगी है। यस माय बाइक। तो मैं अभी जस्ट निकल रहा हूँ नाला सुपर स्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से डॉग पिकअप करना है जो मैंने मॉर्निंग में देखा था। तो मिलते हैं नाला सुपर स्टेशन पे। बाय। अभी बज रहे 4:07 और मैं अभी आया हूँ नाला सुपर स्टेशन पे। सर्चिंग फॉर दी डॉग नाउ। मिलते आगे जहाँ पे डॉगी सुबह मिला था, 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म के वहाँ पे, अभी भी वहीं पे ही है। तो डॉक्टर ड्रेसिंग करके तो गए थे इनको, ना ड्रेसिंग इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दे के गए थे, लेकिन तो भी उसको मक्खी भिन भी ना रही थी। तो बस अभी देखते हैं, एम्बुलेंस का वेट करते हैं और मिलते आगे। और उसके बाद में डॉगी जो है वो एक चेयर के नीचे बैठ गया था। तो मैं स्टेशन पे पहुंचा था 3:30-4:15। तो वहीं से इनकी देख रेख कर रहा हूँ कि हाँ सामने ही रहा था। अभी हो रहे 4:33। डॉग बैठा है यहाँ पे सेम स्टेशन पे। एम्बुलेंस वाले से बात हो गया तो वो आ रहे, अभी आएंगे फिर निकलेंगे इनको लेके। इसके लिए मैं पूरा स्ट्रेंजर हूँ और अननोन हूँ। बस सुबह जो किया था बस वही था। होप ये थोड़ा शांत ही रहे, ब्लीडिंग तो हो नहीं रहा अभी इतना, बस उसको मक्खियाँ ज़्यादा परेशान कर रही है। 5:06 और हमारा बाबू बैठा है यहाँ पे। बाबू शांति से कैसे आप इसको मार सकते हो। एम्बुलेंस वाले का कॉल आया है तो बस अभी बच्चे को लेके चलते हैं। बस वो अभी पहुंचेंगे 5 मिनट में तो नाला सुपर स्टेशन के बाहर। और ये डॉगी के पहले एक और डॉगी का उन्होंने पिकअप किया हुआ है जो है महाड़ा कॉलोनी से। तो चलो मिलते हैं आगे। अभी मैं आ गया हूँ नाला सोपारा स्टेशन के बाहर। भूमि जीव दया करके है हॉस्पिटल न्यू मुंबई में। तो बस ये वहीं से आए हैं तो अभी डॉगी को वहीं पे भेज रहे हैं। और इनका नाम है सागर जो अभी उतरे हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं बात करने में भी। और ये तो हमने हमारा डॉगी अभी हैंडओवर कर दिया है। बस अभी यहाँ से बच्चा सेफ चला जाए और वहीं से सेफ अच्छा हो के आ जाए। हम भगवान से एक ही चीज़ मांग रहे हैं, बस भगवान इनको ठीक करके भेज दो, किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी तकलीफ ना हो। लेते हैं बाइक, चलते घर पे। और राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट कितना बज रहा है अभी, टाइम हुआ है 6:39। 4 बजे आए थे, 4 से 7 बज गया। ठीक है बच्चे के लिए, बच्चा ठीक हो के आ जाए। बस डॉग को प्रे करो कि बच्चा ठीक होके आ जाए। एंड हियर इज माय बाइक। तो बस निकल रहे हैं घर पे, मिलते हैं, बाय बाय। मैं 4 बजे निकला था और घर पे आते अभी बज रहे 6:51। ओके, तो ये जो भी काम हुआ मॉर्निंग में, मुझे डॉगी मिला था और उसके बाद में मेरी वाइफ ने मेडिकल ग्रुप में बात किया, और मेरी वाइफ की हेल्प की लीना मैम ने और उनके और भी 2-3 फ्रेंड्स ने। तो बस उनकी मेहरबानी से हम हॉस्पिटल तक डॉग को पहुंचा पाए। और दूसरे जीव दया, भूमि जीव दया वालों ने भी बहुत हेल्प की, वो वेट भी किए दूसरे डॉग के लिए, हमारे डॉग के लिए भी। तो बस एक ही विश मांगता हूँ कि सब बच्चे ठीक से जाए, ठीक से आ जाए, और किसी भी
बच्चे को या किसी भी डॉग को या किसी भी कोई भी जानवर को इस तरह से तकलीफ़ ना हो कि उसकी पूंछ एकदम से ही कट जाए। आप जैसे देख पा रहे हो स्टार्टिंग में कि क्या हुआ है, तो बस एक ही बोलना है मेरा कि आप कोई भी व्हीकल चलाओ तो संभाल के चलाओ, स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि इनको पता नहीं होता है, इनको दिमाग नहीं होता है कि मॉर्निंग में कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, तो ये जहाँ पाते वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपना व्हीकल थोड़ा संभाल के चलाया करो, बाकी तो भगवान देता है, भगवान करता है इनके लिए और अपने से काम करवा के लेता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप कुछ अच्छा वीडियो बनाओ, हैप्पी वाला, ऐसा सैड वाला वीडियो ना बनाना मड़े पूजे भगवान। थैंक यू सो मच टू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डॉग लवर योगिनी कंचन।